सभी को जय जिनेंद्र। आज सोमवार का दिन है, कल बोर्ड पे क्लास संख्या लिखना रह गया था, तो कल की जो क्लास थी वो 46 नंबर को 45 थी। ये 45 या 46 ये खाली गद्य और पद्य की है, इसके अलावा पहले जो क्लास करी थी तो 20 क्लास व्याकरण की अलग थी। पहले अगर किसी का छूट गया है तो पहले अगर करना हो तो पहले आपको व्याकरण से करना है 1 से 20 क्लास, उसके बाद गद्य पद्य आपको शुरू करना है। सारी क्लासेस आप YouTube पर और Facebook पर पिछली क्लासेस मिल जाएंगी। आपकी कहानियां चल रही हैं प्राकृत में, विदुषी पुत्र दुखी कहानी चल रही है। आज इस कहानी को समाप्त करेंगे और नई कहानी भी साथ साथ प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा सबरी फॉर्म में हिंदी में ही बता देते हैं क्या कहानी है। एक कन्या है जिसकी शादी हो जाती है ऐसे घर में जो बिल्कुल धार्मिक नहीं है, जबकि उस कन्या ने बचपन में ही अणुव्रत अंगीकार कर लिए थे। अब वो अपने ससुराल पक्ष के लोगों को धीरे धीरे धर्म में स्थित करती है। पहले पति को करती है कि ये संसार में असार है, कुछ भी इसमें नहीं रखा, तो इसलिए आप भी अभक्ष का त्याग करो, सच्चे धर्म में श्रद्धान करो इत्यादि। इसी प्रकार से एक दिन मौका देख करके अपनी सास को भी धर्म में स्थित करती है। जब वो लोग एक बार किसी की मृत्यु में गए हुए थे तब मौका देखकर वहां पर संबोधित करती है अपनी सास को, और सास भी वास्तव में वैराग्य आ जाता है और धर्म में स्थित हो जाती है। उसके बाद कुछ समय बाद एक मुनि महाराज जी उनके घर पे भिक्षा के लिए आहार के लिए आते हैं, तो भिक्षा देते हुए दोनों जो कन्या थी और जो साधु थे उनमें एक संवाद होता है कि आप इतनी जल्दी क्यों निकल आए, क्योंकि वो बहुत यंग थे, युवावस्था में थे। तो इसके बदले में वो कहते हैं कि उम्र का कुछ पता नहीं है, कब मृत्यु आ जाए, इसलिए हम जल्दी निकल आए। तो फिर उसके बाद साधु ने परीक्षा दी कि तुम लोगों की आयु क्या है, उसकी आयु पूछी ससुराल में सभी लोगों की, तो उसने आयु किस हिसाब से बताई, उसने आयु जन्म के हिसाब से न बताकर जब धर्म का ज्ञान हुआ उस समय से लेकर आयु बताई। अपनी आयु बताई मात्र 12 साल, पति की आयु बताई 5 साल और सास की आयु 6 महीने। ससुर की आयु उसने कहा कि अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ है। पीछे दूसरे कमरे में ससुर ये बातें सुन रहे थे, भाव नहीं समझ पाए संवाद का, क्योंकि वो धर्म में स्वयं स्थित थे ही नहीं, तो इसलिए उन्हें लगा कि ये स्त्री जो है, जो बहू आ गई है, दुराचारिणी है, असत्य बोलती है। इसलिए दुकान पर जाके पुत्र को समझाते हैं कि इसको तुरंत घर से निकालो। उसके बाद जब वो घर आते हैं और पुत्र पूछता है कि तुमने ऐसा, अपनी पत्नी से पूछता है कि ऐसा क्यों कहा, तो पत्नी कहती है कि साधु के पास जाके पूछो, वही तुम्हें सही सही बात बताएंगे। साधु महाराज के पास जब ससुर जी और पुत्र पहुंचते हैं तो ससुर जी को कहते हैं कि भाई मैंने तो ऐसे ऐसे संवाद किया था, तो उसके उत्तर में उसने ऐसे ऐसे बात बताई। अब वो ससुर जी पूछते हैं तो उसने मेरी उम्र ऐसे क्यों बताई कि मैं पैदा नहीं हूं। अब उसके अंदर के भाव साधु को नहीं पता थे, तो इसलिए साधु ने वापस उन्हें कहा कि आप ये तो वही उसी कन्या को जाके बता सकती है, तो वहीं जाके उससे पूछिए। उसके बाद जब ससुर जी घर वापस आके कन्या से पूछते हैं तो वो सही सही बात बता देती है कि भाई धर्म में स्थित होने की वजह से ये बात कही गई है। इस बात को सुनकर और भाव आते हैं ससुर जी के भी, और ससुर भी बहुत संतुष्ट होते हैं और स्वयं भी धर्म में स्थित हो जाते हैं। अब तक की आपकी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आठवां पैराग्राफ। ए गाये बुढ़ाए उत्तम, ए गाये ढ के नीचे ढ, क्या बोलेंगे इसको, बुढ़ा, ए उत्तम, नारीड मध्ये इमी पुत्र बहु से था। नारीड मध्ये इमी
उत्वहु। से ठा, ठा के नीचे ठा। जोब पहले स्लैंग तो वैसे ही देख लेते। एगा है यानी कि एक बार, बुढ़ा है यानी कि बूढ़ी, बुढ़ होता है बूढ़ा और बुढ़ा हो गया बूढ़ी ससा के लिए तरह से, तो स्त्रीलिंग में ए लग गया बुढ़। एक बार की बात है या एक बार एक बूढ़ी औरत के द्वारा उत्तर दिया गया या कहा गया। नारीण मज्जे इमी कुत्वहु सेठा, यानी कि नारियों, नारियण बहुवचन आ गया, नारियों के मध्य में इमी यानी कि यह या इनकी उत्वहु सेठा, यानी कि ये सेठा वो सेठ वाला सेठ नहीं है के धनवान के लिए, ये है श्रेष्ठ। इसलिए है सेठा का मतलब श्रेष्ठ के लिए, यानी कि नारी जितनी भी हमारे आसपास मोहल्ले में गांव में नारियां हैं महिलाएं हैं उनमें ये वाली पुत्रवधु श्रेष्ठ है, ऐसे उसकी तारीफ में एक बार एक बूढ़ी औरत ने बुढ़िया ने कहा। जोबड़वे वी सासु भक्ति पराण, वी सासु भक्ति परा धम्म कज्जमी स एव अपमत्ता, धम्म कज्जमी धर्म कार्यों में स वह एव इस प्रकार अपमत्ता गेहि कज्जेषु हि कुशला नन्ना एलिसा, गेहि कज्जेषु गृह कार्यों में वी कुशला नन्ना एलिसा, क्या मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति अगर धर्म तो बहुत कर रहा पूरे दिन और गृहस्थ में भी है ना, 6-6 घंटे मंदिर में तो बैठा हुआ है, बहुत सारे सब चीजें धर्म के कार्यों में आ गए हैं, लेकिन घर में क्या है कि जो परिवार के लोग हैं उनका सहयोग नहीं करता है, ठीक है, और नौकर चाकर रखे हुए हैं उनको डांटता है फटकारता है, बहुत सारी और घर में प्रॉब्लम है, तो उसका धर्म बेकार है ना। तो लेकिन ये स्त्री कैसी थी कि यौवन में भी सासु भक्ति परा, यानी कि सासु माँ की भक्ति में लीन है, बहुत युवा है, धर्म भी पूरा कर रही है और अपनी घर पे जाकर सासु की भी भक्ति करती है, धर्म कार्यों में भी अपमत्ता, अपमत्ता यानी कि प्रमाद, प्रमादी, अप्रमादी यानी कि धर्म का कोई भी कार्य है अहिंसा व्रत के पालन में, कोई भी अणुव्रतों के पालन में, आहार दान इत्यादि में जो भी धार्मिक कार्य हैं, जीव रक्षा इत्यादि के भी कोई भी कार्य है उनमें भी अप्रमादी है, ठीक है, यानी कि वो भी काम पूरा ठीक प्रकार से करती है। गृह कज्जेषु घर के जो कार्य हैं उनमें भी कुशला है, नन्ना यानी कि नन्ना अन्य नहीं है, न अन्य, नन्ना माने न अन्य, अन्य का मतलब हमने देखा था खाने वाला अन्य नहीं, अन्य का मतलब अन्य यानी कि अलग, न अन्य ए रिसा उसके जैसी, यानी कि इतनी गुणवान जो जोबड़वे यानी कि यौवन, जो जोबड़ किसको बोलते हैं यौवन को, यौवन में भी सासु की भक्ति करती है, धर्म के कार्यों में अप्रमादी है और घर के कार्यों में उसके जैसी कुशल कोई दूसरी, न अन्य यानी कि अन्य कोई नहीं, यानी कोई दूसरी ऐसी स्त्री नहीं है। आगे समझ में, लिख लेते हैं इसमें, इमीये सासु निभगा,
इनिये सासू निभगा। इसकी जो सासू माँ है निभगा यानी कि ना से नहीं हो गया और अब भगा यानी अभागी, क्या बन गया अभागी यानी कि बेचारी बिना भाग्य की है। इसकी सासू अभागी है, क्यों अभागी का उसे ऐरी सीए भक्ति वत्सलाए, ऐरी सीए भक्ति वत्सलाए पुत्र बहुए भी दम कज्जे हुए भी धम्म कज्जे पेरिज माड़ा भी धम्म ना पुड़े, पेरिज माड़ा भी धम्म ना पुड़े। अभी ये क्या बात चल रही है, वो सासू माँ ससुर को बता रही है अभी कि भाई जब एक हम किसी की डेथ में गए हुए थे तब जो है उसने मुझे संबोधन किया और वहीं पर एक बूढ़ी अम्मा आई हुई थी तो उसने बताया। ये कब की बात है, सासू के धर्म में स्थित होने से पहले लेकिन है ये वो उसकी तारीफ कर रही है। एक बार वहां पर एक बूढ़ी अम्मा ने कहा कि नारियों के मध्य में इसकी जो पुत्रवधु बहुत श्रेष्ठ है, यौवन अवस्था में भी सासू की भक्ति भी करती है, धर्म के कार्यों में अप्रमादी है, घर के कार्यों में भी उसके जैसी कुशल अन्य कोई नहीं है। इमिये सासू निभगा, निभगा का मतलब है अभागी। इस लड़की की जो सासू माँ है वो बेचारी कैसी है, अभागी। एरी सीए यानी इसकी सासू माँ अभागी है और ऐसी भक्ति वत्सलाए यानी भक्ति से वत्सल, भक्ति वत्सलाए का मतलब है भक्ति से वत्सल। देखते हैं इसका मतलब क्या लिखा है, पीछे से आठवां पैराग्राफ चल रहा है, आठवें पैराग्राफ में भक्ति भक्ति वत्सलाए का मतलब है भक्ति प्रेमी, भक्ति से वत्सल कोई मतलब निकलेगा भक्ति से वात्सल्य यानी कि भक्ति से प्रेमी। पुत्र बहु के होते हुए भी धर्म के कार्यों में पेरिज माड़ा भी धम्म न कुरे भी, यानी कि पेरिज माड़ा भी का मतलब है पेरिज पेर इज माड़ अभी प्रेरित किए जाते हुए भी विलग्या भी के लिए माण लग्या हुए वर्तमान के दिन प्रेरित से हो गया प्रेरित, प्रेरित किए जाते हुए भी धर्म के कार्यों में नहीं, धर्म के कार्य नहीं करती है ना कुड़ेई। कौन कह रही है, एक बूढ़ी अम्मा कह रही है, ठीक है। इसकी सासू माँ अभागी है और ऐसी भक्ति से वात्सल्य यानी भक्ति से प्रेमी पुत्र वधु के होते हुए भी धर्म के कार्यों में प्रेरित करे जाने पर भी धर्म का काम नहीं करती है, यानी कि भाई घर घर की कहानी है, जो घर के अंदर चल रहा है वो पड़ोस वालों को पहले पता चल जाता है, तो इसलिए उस अम्मा को उनके घर में क्या चल रहा है पहले से
पता था। तो वो वहां पर जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे किसी की डेथ में, वहां वो बूढ़ी अम्मा कह रही है कि ये जो नाली है नालियों के मध्य अत्यंत श्रेष्ठ है। दूसरा पेन कहाँ है भाई साहब? पेन कहाँ है? तीनों पेन। एक आए यानी कि एक बूढ़ी ने कहा या उत्तर दिया, एक ही बात है ना। नारियों के बहुवचन हो जाएगा, नारी का मतलब नारियों के मध्य में है ना, इनकी पुत्र वधू कैसी है? श्रेष्ठ है। जो बड़ा हो यानी कि यौवन में यानी कि युवा अवस्था में भी सासु की भक्ति परा, भक्ति परा का मतलब है लीन, परा माने लीन, सासु की भक्ति में लीन है यानी कि बहुत भक्ति करती है, भक्ति माने भक्ति, सासु माँ की भक्ति में लीन है, धर्म के कार्य में भी अपमत्ता यानी अप्रमादी है यानी बिना प्रमाद के करती है, बिना आलस्य के सारे काम करती, घर के कार्यों में भी उसके जैसी कुशल अन्य कोई नहीं है, ऐसा यानी ऐसी। इन्हीं सासु, इसकी सासु निभगा यानी अभागी, इतनी कुशल हुआई है और ये बेचारी है कि ऐसी यानी ऐसी ऐसी भक्ति वत्सलाए यानी कि भक्ति में वात्सल्य, वात्सल्य अर्थात प्रेमी, ऐसी भक्ति प्रेमी पुत्र वधू के होते हुए भी धर्म के कार्यों में पेरिज माड़ा भी, पेरिज का मतलब है प्रेरित, माड़ माने हुए, माड़ माने प्रेरित किए जाते हुए, अभी माने भी, क्या मतलब निकला इसका? पेरिज माने प्रेरित, माड़ माने वर्तमान कृदंत हुए और अभी माने भी, धर्म के कार्य नहीं करती है। अब क्या होगा, बहुत तो बेचारी पहले भी समझाती रही होगी लेकिन नहीं समझती थी, लेकिन जब बाहर वाले ने बेइज्जती कर दी तब क्या हुआ, उसकी बुद्धि में आ गया, और मौका भी कैसा था, किसी की डेथ में गए हुए थे, वहां उसको समझ में आया कि ये जीवन असार है, कब जो है आपकी घड़ी रुक जाएगी कुछ नहीं पता। तो सभी लोग यही सोचते हैं जानते हुए भी कि जो भी धर्म का कार्य है, जो भी अपरिग्रह अपनाना है, जो भी वैराग्य के भाव आने हैं वो सब अंत में कर लेंगे, अभी तो रुपया पैसा कमा लें, बिल्डिंग खड़ी कर लें, खूब सारा परिवार बड़ा कर लें, उन सबको सेट कर दें है ना, वो सारे कामों में लगे रहते हैं, उसके बाद करेंगे। तो जबकि मृत्यु का कुछ पता नहीं, सेट करती रह जाओगे सबको, अपने आप को सेट कर ही नहीं पाओगे कभी, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब पहिया रुक जाए, कुछ नहीं पता। तो उस मौके पर उस बूढ़ी अम्मा ने जब ऐसे ऐसे कहा, फिर क्या हुआ, इमम सो ऊड़ यानी कि ऐसा ये सब सुनकर, सो ऊड़ यानी ये सब सुन करके, बहु गुण रंजिया बहुत सारे गुणों से रंजित, रंजिया तीए मुहाओ धम्मो पत्तो, उसके द्वारा मुहाओ उसके मुख से धम्मो पत्तो धर्म को, तो माने प्राप्त किया गया, धम्मो पत्त
तो अब क्या कह रहे हैं, ये सुनकर के बहुत सारे गुणों से रंजित होते हुए, यानी कि रंजित यानी कि कोई चीज जैसे किसी चीज की रंजित कहते हैं, प्रसन्न होना या बहुत ही अच्छा लगना, बहुत सारे गुणों से प्रसन्न होकर, रंजित होकर बेसिकली, ठीक है। ती ए यानी उसके मुख से, मोह माने मुख, आओ लग गया यानी कि भूतकालिक प्रसन्न हो गया, उसके मुख से किया गया, क्या किया गया, धर्म को प्राप्त किया गया, यानी कि एक तरह से धर्म में उसने संबोधन किया, कोई हमारे यहाँ पर यानी कि जिन धर्म के लिए सर्वज्ञ से जो प्रेरित धर्म है उसके लिए ऐसे कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई दीक्षा नहीं दी जाती, जिस दिन से आपको समझ में आ जाए आप अपने मन में ही अपने भावों से ही क्या कर सकते हो, धर्म को स्वीकार कर सकते हो। उसी प्रकार से उसके मुख से सुनकर, अब ये उसके मुख यानी कि अपनी पुत्र वधु के मुख से सुनकर बहुत सारे गुणों से प्रसन्न होकर क्या किया गया, प्रत्यो माने प्राप्त किया गया धर्म को। दम्पत्ति क्षमासा जा, अब ये ससुर को बता रही है, धर्म को प्राप्त किए हुए क्षमासा, क्षमा छ छ छ कह सकते हैं, छ तो हो गया, क्षमासा क्षमासा, ये धा है और ये छ है, क्षमास हाँ। अब वो कह रही ये सब कांड हुए हुए केवल अभी कितना टाइम हुआ है, 6 महीने हुए, धर्म को प्राप्त किए 6 महीने हुए हैं, तो इनमें तो कह रही 12 साल से, ये कहा है सासु ने, सासु बता रही है, ठीक है कि मैं धर्म पे 6 महीने, इसलिए वो उसने पुत्र वधु ने उसको सासु के पास भेज दिया था, है ना, उसने कहा भाई तुमने ठीक है बेटे का बता दिया, बेटा यहाँ पे अपना बता दिया, अब सासू को तुमने 6 महीने जो बोले तो उसके पास जाके पूछो। अब वो ससुर सास की अपनी पत्नी पे गया है तो पत्नी बता रही है कि 6 महीने से अभी खाली मेरा 6 महीने से धर्म स्टार्ट हुआ है, तुमने किया ही नहीं होगा इसलिए वो पैदा ही नहीं हुआ, हाँ इसलिए बिल्कुल ठीक कहा है, वो झूठी नहीं है। तो पुत्र बहु यानी कि इसलिए जो मेरी पुत्र बहु है क्षमासा कहिया, उसने सही कहा है, 6 मास कहे हैं क्या मेरे पैदा होने को, तम जुक्तम है ना, वह तम माने वह, जुक्तम माने युक्त यानी कि वह सही है, वह लड़की गलत नहीं है, के कौन कह रहा है, सासू माँ कह रही है। इमम सोऊर यह सुनकर बहु गुण रंजिता, यानी कि बहु छोटी हुए ना, बहु वहां छोटी हुए, बहु गुण रंजिया, इस पूरे का मतलब है कि बहु के गुण से रंजित होकर के, बहु के बहुत सारे जो गुण थे, किसके गुण थे, बहू के थे, तो बहू के गुणों से रंजित, अर्थात रंजित का मतलब यहां लिया है पुस्तक में प्रसन्न होकर, तीए मुहाओ यानी कि उसके मुख से, तीए माने उसके, मुहाओ यानी कि मुख से, यानी कि उसके संबोधन से धर्म को प्राप्त किया, यानी कि मैं भी धर्म में एक तरह से स्थित हो गई, अब मैंने भी बहुत सारे नियम ले लिए, धर्म को प्राप्त किए हुए 6 महीने हुए हैं, तो इसलिए उसने पुत्र वधु ने 6 महीने कहे हैं, तम जुत्तम यानी कि वह युक्त है, सही है, युक्त है का मतलब सही है, ये बात गलत नहीं है, यहाँ पे तम लिया है, तम जो है हो गया द्वितीय विभक्ति एकवचन, वह मतलब ये नपुंसक, एक तरह से ये बात, बेसिकली ये बात क्या है ना, सही है, सत्य कथन है।
अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। 9 नंबर का पुत्तो भी पुत्थो, अब कहां पहुंचा वो? पुत्र के पास। पुत्तो कि भैया तेरे को 5 साल क्यों बोला है? पुत्र को पूछा तेड़ भी उत्तम, उसके द्वारा भी उत्तर दिया गया। भैया सबसे पहले तो उसने मुझे ही पकड़ा था समझाने के लिए, 5 साल हो गए धर्म में आए हुए, आपको पता ही नहीं है, तो ससुर को पता ही नहीं था घर में क्या चल रहा है। प्रत्येक समय धम्मो वयस पराये बन जाए, एक बार रात्रि में क्या हुआ, समय प्रत्येक समय धम्मो वयस पराये, धम्मो वयस, धम्मो वयस से क्या बना, धर्म का उपदेश, उपदेश से क्या बना, उपदेश। पराये उसके द्वारा मुझे मौका देखकर एक दिन रात में ही प्रवचन देना शुरू कर दिया गया, तो उससे मेरा धर्म खराब हो गया, इसलिए मैंने धर्म सिखा दिया। भज जाए मतलब दिमाग खराब होने से क्या मतलब है यहाँ पर, कि भैया दिमाग ठिकाने पे आ गया, पहले खराब था। भज जाए यानी पत्नी के, भज्जा किसको बोलते हैं, भार्या यानी पत्नी के द्वारा। भज जाए जाए संसार असार धनसड़ेड़, संसार कैसा है, संसार रासार यानी इससे क्या निकला संधि विच्छेद, संसार रासार यानी संसार असार है, धनसड़ेड़ है ना, असार संसार का दर्शन कराया गया। भोग विलासारम च परिणाम दुह दायित्रेण, कथानक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस तरह से चल रहा है ना, कि पत्नी ने क्या प्रवचन दिया, तो उससे हमें शिक्षा भी लेनी है, और जो लोग अभी भी धर्म में स्थित नहीं है, प्राकृत सीख रहे हैं, तो केवल इस भाषा के माध्यम से प्राचीन काल में लोग केवल इतनी सी बात सुन के भी धर्म में स्थित हो जाते थे। अपन लोग है ना 50-50 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, रोज 6-6 घंटे पूजा जाते हैं, इतने प्रोग्रामों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी भी स्वयं के लिए धर्म में स्थित नहीं हुए, दूसरों को बताते रहते हैं। स्वयं भी हमें प्रयास करना है, जितना यथा संभव हो उतना घर पे रहते हुए भी हमें जो भी अहिंसा व्रतों का पालन है उसका आचरण करना है, पालन करना है। भोग विलास आड़म च, भोग विलास के जितने भी साधन हैं, च माने और, परिणाम दुःखदायी इत्रेण, परिणाम दुःखदायी इत्रेण यानी कि अंत में दुख ही देते हैं, दुःखदायी इत्रेण दुख देने वाले हैं। ओके, थोड़े से प्रवचन दिए जा रहे हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, जब पुत्र से पूछा, पुत्तो भी पूछो, कौन पूछ रहा है, ससुर पूछ रहे हैं, ससुर ने अपने पुत्र से पूछा, उसके द्वारा उत्तर दिया गया, कहा गया, रात्रि में एक बार क्या हुआ, रात्रि में समय धम्म उवेस, यहां क्या है उवेस, उवेस से क्या बना, उपदेश, पराए, परामाने पहले भी आया था, परामाने लीन, ठीक है।
क्या कहने का मतलब, यहाँ पर समय का मतलब टाइम नहीं है, समय का मतलब पहले भी आया है सिद्धांत, ये उसका पर्यायवाची एक तरह से। समय का मतलब यहाँ पे सिद्धांत, यानी कि सिद्धांत का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सिद्धांत कौन से, जो सर्वज्ञ भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं, सिद्धांत और धर्म के उपदेश में लीन। भज्जा यानी कि मेरी जो पत्नी है वो हमेशा सिद्धांतिक है और धर्म के उपदेश देती रहती है। एक बार उसने रात में मुझे पकड़ लिया और उसने क्या किया, भज्जाय मानी पत्नी के द्वारा जो हमेशा सिद्धांत और धर्म के उपदेश में लीन रहती है, उसके द्वारा क्या बताया गया, संसार, यहां से लेंगे असार। संसार कैसा है, असार है, संसार असार का दर्शन कराया गया, यानी कि बताया गया इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, जो चीज आया है, जो जीव आया है वो कन्फर्म जाना है। यहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी भोग विलास के, संसार असार है, दर्शनेण यानी कि दर्शन कराया गया, भोग विलास के जितने भी साधन हैं उनका जो परिणाम है, यानी कि उनका जो है ना रिजल्ट आएगा वो दुखदायित्रेण यानी कि दुखदायीपन, वो दुख देने वाले हैं। जितना भी आप पैसा इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करते में आपको आनंद आएगा, उसके बाद उसकी जब आप रखवाली करोगे, लोग लेके जाएंगे, चोरी होगी, तो अल्टीमेटली दुखी दुख मिलेगा। आप जितना बड़ा परिवार बढ़ाओगे, पहले बढ़ाते हुए बहुत आनंद आएगा, लेकिन वो सारे लोग आपको अंत में दुखी देंगे, बेटा पढ़ता नहीं है, बेटा शादी नहीं करता है, बेटा नौकरी नहीं कर रहा, बेटा उद्दंड है ना। ऐसे ही फिर जब पोते हो जाएंगे तो पोते की टेंशन लोगे, व्यापार कर लोगे तो व्यापार, तो अंत में क्या आएगा, ये जितना भी भोग विलास के साधन है उनका परिणाम रिजल्ट क्या निकलेगा, दुखदायीपन। परिणाम यानी कि उसके रिजल्ट, दुखदायित्रेण यानी कि उसका, ये सब क्या है, दुखदायीपन, एक तरह से दुख देने वाले हैं। ये किसने समझाया, पत्नी ने समझाया, मेरे भी समझ में आ गया, क्योंकि मैं इन्हीं सब दुखों से, हो सकता है पहले नहीं आएगा व्यक्ति के समझ में, कब आएगा, जब वो अनुभव कर ले कि यार मैंने इतना कुछ किया, इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन अल्टीमेटली मैं रात को नींद की गोली खा के सो रहा हूँ, इतनी टेंशन है। तो उसको जब एक्सपीरियंस हो जाता है तब किसी के समझाने पे बहुत जल्दी समझ में आता है, पहले कोई समझाएगा तो कहेगा ये व्यक्ति तो इसने जीवन में कुछ अचीव किया नहीं है ना, ये जो है इसलिए उसको प्रवचन फालतू के दे रहा है। तो इसलिए वो विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, तरक्की के नाम पर उसके लिए क्या है, हाय 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 हाय, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इन्हीं चीजों में भोग विलास में वो बढ़ाता चला जाता है और अंत समय में उसे पता चल जाता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा आए जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर भी शासन किया, बड़े बड़े चक्रवर्ती आए, बड़े बड़े लोग आए, नारायण प्रतनारायण आए, वो भी अंत में खाली हाथ ही गए और कुछ दिनों तक ही उनका नाम चला, उसके बाद तो इतने अनादि से इतने अनंत जीव आए, उनका नाम कोई जानता भी नहीं है कि कब आए थे और कब चले गए। तो इसको समझ में कब आता है, जब जो है उसका खुद का अंत समय आता है, उससे पहले उसे दूसरे की बातें समझ में नहीं आती। तो लेकिन जब उसकी पत्नी ने एक बार पकड़ लिया तो उसको समझ में आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, कि कौन बता रहा है, पुत्र बता रहा है अपने पिता को, वा साढ़ ई पूर, वा साढ़ ई पूर तुल जुब्बड़ तेड़, तुल जुब अड़त अड़ेड़ जुब्बड़त या देहस खड़बंगुरतड़ेड़। क्या कह रहे हैं, वासाड़ई यानी कि वर्षा में, नहीं माने नदी से
वर्षा काल में नदी पूर्तुल पूरी भर जाती है, जुबड़ तिड़ेड़ ऐसे ही यौवन होता है। क्या है, जब बारिश आती है, अभी आज भी बारिश हुई है दिल्ली में यहाँ पर, तो अभी क्या होगा, जो जल प्रपात होंगे, जो जल के स्रोत होंगे, अड़ाई माने नदी, वासाड़ वर्षा से नदी जो है पूरी तुल यानी पूरी तुल तुल हो जाती है, यानी क्या हुआ, भर जाती है। तुल बोलते हैं ना, बंदर तुल हो गया है, तो वैसे पूरी तुल पूरी तरह से क्या हो जाती है, भर जाती है। ऐसे ही जुबड़ तेड़ यानी कि यौवन अवस्था होती है, जवानी में बहुत सुंदर शरीर होता है, बहुत एनर्जी होती है ना। तो क्या होता है, क्योंकि जैसे वर्षा काल चल रहा है ऐसे ही जवानी चल रही है, उस टाइम तो बेटा भरे रहोगे, लेकिन पतझड़ भी आएगा और सूखा भी आएगा और सर्दी भी आएगी और गर्मी भी आएगी, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो ये प्रवचन कौन दे रहा है, उसकी पत्नी दे रही है कि जैसे वर्षा काल में नदी पूरी तरह से भर जाती है, ऐसे ही ये हमारा और आपका क्या है, यौवन काल है। या माने और देहस्य, ऐसे ही ये शरीर कैसा है, देहस्य खड़ भंगुर तड़ेड़, क्षण भंगुर है कि कब पंचर हुआ, एक गोली लगी और क्या हो जाएगा, सिद्धांत भाई साहब, एक गोली लगी शरीर में और पंचर हो जाएगा, सारा तेल निकल जाएगा, एक भाला लगा, एक है ना पूरी बॉडी बना दे, तो सब देह कैसी है, कितना भी जीवन लगा लो, जैसे बुलबुले के समान है, एक पानी की बूंद के समान है, क्षण भंगुर तड़ेड़, उसके क्षण भंगुर है। जयम्मी, कितने भी रूपवान आप क्रीम पाउडर लगा लो, लेकिन जब अंत समय आएगा तो आपको भी या जला दिया जाएगा या कुछ धर्मों में दफना दिया जाएगा अन्य अन्य प्रकार से, लेकिन उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जयम्मी धम्मो जगत में धर एव सारुक्ति उपदिठो, क्या है इस जगत में, बस जो सदा रहने वाला है। जयम्मी यानी जगत में, संसार में एक धर्म ही है जो आपका आत्मा के साथ जाएगा, धम्मो एव सारु, यानी कि क्या सार है, जो आपको परलोक परगति में लेके जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति अंत समय में करवाएगा, वो क्या है, धर्म ही सार है। सार यानी कि जड़, तना, बेस, ती उपदिठो, इस प्रकार से उस मुझको उपदेश दिया गया, ती उसने खुद उपदेश नहीं दिया ससुर को, पहले सास के पास भेजा, उसके बाद बेटे के पास भेजा, उन्हीं से जाके पूछो। अब वो बता रहे हैं कि उसने मुझे क्या क्या, हम सब वर्णो धर्मा रागो, हम माने मैं सब वर्णो, पहले भी आया था सब वर्णो यानी कि सर्वज्ञ, सर्वज्ञ ने क्या बताया, कुछ नहीं बताया कि आपको जैन बनना पड़ेगा, बुद्ध बनना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा, क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या बताया, सर्वज्ञ का मतलब जिसने सब कुछ जान लिया है। उसने कौन सा धर्म बताया, अहिंसा धर्म, कि एक अहिंसा धर्म के द्वारा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के द्वारा ही इन सारे दुखों से आपकी मुक्ति हो सकती है। आप नाम के आगे चाहे कुछ लगा लो, कोई धर्म लगा लो, कोई लड़ाई लड़ लो, है ना, चाहे मंदिरों के लिए लड़ लो, चाहे मस्जिदों के लिए लड़ लो, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा, सर्वज्ञ ने कि भैया ये प्रोसेस है, इसको जो अपना लेगा, उसका जन्म किसी भी धर्म में, जाति में, कुल में हुआ हो, जो इस धर्म को अच्छी तरह के से अपना लेगा, पशु पक्षियों तक को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, जो समुसरण में बैठते हैं, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो सब वर्णु यानी सर्वज्ञ के धम्मा रागो, धर्म में धर्म, धम्मा आराधगो, धम्म आराधगो यानी कि आराधक, सर्वज्ञ के धर्म में मैं कैसा बन गया, है ना, उसमें श्रद्धान करने वाला, उसमें आराधना करने वाला बन गया, अर्थात मेरा उसमें श्रद्धान बन गया, मैं उसका आराधक बन गया। जाओ यानी कि हो गया, मुझे अपनी आत्मा की पहचान
हो गई कि आत्मा ही अनादिकाल से भटक रही है, ये शरीर तो क्षण भंगुर है। अज पंचवासा जाया, और इस सब बात को हुए क्या हो गए, आज लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। तो इसलिए उसने मेरी उम्र जो साधु महाराज के सामने 5 साल की बताई है वो ठीक बताई है। तव बहुए मम उद्दिश्य, तब इसलिए बहुए बहु के द्वारा मम यानी मेरी उद्दिश्य, जो उद्दिश्य यानी कि जो बताई है उद्दिष्ट, उद्दिश्य से क्या बना उद्दिष्ट, उसको उद्देश्य करके, उद्देश्य माने उद्देश्य से, मेरे उद्देश्य से पंचवासा 5 वर्ष कहिया कही गई है। वो कैसी है, तम सच्चम, वो एकदम सच्ची बात है, आप बेकार में परेशान हो रहे हो। एवं कुटुंबस्य धम्मपत्ये, एवं कुटुंबस्य, ठीक है लेते हैं, वासार ई पूर यानी कि वर्षा, वासा यानी वर्षा, लड़ाई माने वर्षा नदी से, ठीक है वासा लड़ाई पूर तुल, वासा हो गया, उसके बाद क्या है दूसरा शब्द लड़ाई, फिर है पूर, फिर है तुल, फिर है जुगड़ तड़ेड़। वासा माने वर्षा, लड़ाई माने नदी, पूर तुल यानी कि जल प्रवाह के समान यौवन अवस्था है। पूर्तुल्य का मतलब उसका वर्षा नदी के जल प्रवाह के समान क्या है, जुव्वड़ तड़ेड़ यानी कि यौवन अवस्था। ये जो युवा अवस्था है ये कैसी है, जैसे वर्षा के समय पे नदी पूरी तरह से जल से भर जाती है, ऐसे ही देह कैसी है, क्षण भंगुर, तिरेड़ क्षण भंगुर है, जयम्मी यानी जगत में एक धर्म ही कैसा है, सार है यानी कि आधार है। ऐसा क्या दिया गया, उपदेश दिया गया, ऐसा मुझे बताया गया है ना, ऐसा उपदेश दिया गया या बताया गया किसके द्वारा, मेरी भार्या पत्नी के द्वारा। सब वर्णों यानी कि सर्वज्ञ, धम्मो माने धर्म, आराधको यानी कि मैं सर्वज्ञ के धर्म में क्या बन गया, आराधक यानी कि उसको पालन करने वाला। आज 5 वर्ष हो गए, तब वो मम उद्देश्य यानी मुझे उद्देश्य करके यानी मुझे लक्ष्य करके, जब मेरी उम्र पूछी गई, पंचवासा कही गया, तम सच्चम, वो बात सत्य है। हम कहानी में प्राकृति साथ साथ सीख रहे हैं, और जो मुद्दे की बात बताने का प्रयास किया गया है इस कथा के माध्यम से, वो भी धीरे धीरे आप लोगों के मन में भाव उत्पन्न होने चाहिए, है ना, और आप लोग भी धर्म में स्थित हों शीघ्रता शीघ्र, है ना, तो वो भी भावना करनी चाहिए। तो इसके सीखने के एक पंथ दो काज है, ओके आगे देखेंगे। एवं कुटुंबस आखिरी लाइन है इस कहानी की, एवं इस प्रकार से कुटुंबस यानी कि पूरा जो कुटुंब था, पूरा जो कुटुंब माने परिवार,
जो ससुराल पक्ष का पूरा परिवार था एक एक करके सब लोग कैसे हुए धम्म पत्तिये धर्म में प्राप्त किए। लास्ट में खाली ससुर जी रह गए थे, ये भी ससुर भी इतना सारा प्रवचन सुन के धर्म में प्राप्त हुए। तो आप लोग भी सुन रहे हैं तो आप लोग भी प्राप्त हो जाओ। बट्टाए विउसिए यानी कि वार्ता, बट्टा माने कल भी आया था, क्या हुआ वार्तालाप। इस प्रकार से पूरे कुटुंब धर्म में स्थित हुआ। किस वार्ता से? विउसिए जो विदुषी यानी जो विद्वान या पुत्र बहुए, या माने और पुत्र बहुए जो पुत्र बहु थी, जहत वैणम जहत उसके वैणम यानी वचनों से सोऊड़ सुनकर लच्छीदासो, लच्छीदास किसका नाम था ससुर का और धर्मदास पत्नी के पिता का मायके वाले, वी पड़ी बुद्धो उसकी भी बुद्धि में बात पड़ गई, पड़ी बुद्धो बुद्ध तड़े यानी कि बुढ़ापे में, ड के नीचे ढ वृद्धावस्था में भी सभी समय पर वी धम्मम वो भी धर्म करने लगा। धम्मम आराह्य सगैं पत्तो सपरिवारो, आराही अ सगैं सगैं पत्तो स परिवार, वो पूरे परिवार के साथ में कंप्लीट फैमिली के साथ में क्या हुआ सभी लोगों ने व्रत धारण कर लिए। क्या मतलब? इस प्रकार एवं इस प्रकार कुटुंब माने कुटुंब, कुटुंब माने क्या होता है परिवार, या डा हो जाता है प्राकृत में हिंदी में क्या है कुटुंब के लिए यानी पूरे परिवार के लिए धर्म प्राप्त हुआ, धर्म प्राप्ति की वार्ता। ठीक है, धर्म प्राप्ति यानी कि धर्म प्राप्ति, वट्टाए माने वार्तालाप, ये जो सारा सीन चल रहा था धर्म प्राप्ति की वार्ता से किसकी विदुषी पुत्र रूप से जहत वर्णम यानी कि जहत यथार्थ वचन को, उसके जो पीछे अभी लिखे गए ऐसे सही अर्थ के यानी कि यथार्थ, वर्णम माने वचन, ये सारे वचन को सोऊड़ सुन करके लक्ष्मी दास भी क्या हुआ पड़िबुद्धो यानी कि बुद्धिमान हो गया यानी कि ज्ञानी, यहाँ जो अर्थ दिया है क्या दिया पड़िबुद्धो का मतलब ज्ञानी हो गया, उसे भी असलियत का क्या हुआ ज्ञान हो गया। ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट है ना, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बढ़िया कॉलेज से पढ़ा है ओके और बहुत बढ़िया डिग्री आ गई, बहुत पैसे कमाता है। ज्ञानी का मतलब धर्म में ज्ञानी हो गया। बुद्ध तड़े यानी कि बुढ़ापे में भी, बुढ़ापे में भी माने भी वृद्धावस्था में भी धर्म में आराह्य यानी कि उसका आराधना उसने करी, पालन किया। आराह्य का मतलब है पाला गया, आरा यानी कि आराधना की यानी पाला गया, तरह से उसकी बुढ़ापे में भी उसने यथासंभव धर्म किया। सगैं यानी कि सन्मार्ग पत्तो प्राप्त किया सपरिवार, वो परिवार के साथ में, सगैं का मतलब लिया है सन्मार्ग यानी कि सही मार्ग सच्चा मार्ग, पत्तो प्राप्त किया किसके साथ परिवार के साथ में। अगली बात सुन रहे फोटो लीजिए क्या हो गया एक मिनट।
आज आपकी वाली कथा पूरी हो गई, कल आपको कसेजा बज्जा, ओके नई कहानी शुरू होगी। ये किसकी पत्नी है, 11वां पाठ आपका शुरू किया जाएगा। आज आपकी विदुषी पुत्रवधु की कथा पूरी होती है। पढ़ो तुम इसकी, इसी हाँ। सभी को जय जिनेन्द्र, जय बोले भगवान महावीर स्वामी की जय जय।